हेलो व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, नंबर ऑफ वैकेंसी शीट कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बात करेंगे डिटेल्स में। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2022 के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 24 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लगभग यहाँ पे आपकी सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग है, आपका लास्ट सेमेस्टर और आपका रिजल्ट नहीं आया, आपने एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ये भी आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका है जो भी यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे फेलोशिप का भी चांस है आपके, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ फेलोशिप मिलने के फुल चांसेस हैं। यहाँ पे बताया गया, इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे पास बेहतरीन मौका है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं, अपेयरिंग है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे बात करेंगे यहाँ पे आपकी एक स्टेट किस स्टेट में यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में, कैसे अप्लाई करना है, इसे भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर जाएं, जिससे यहाँ पे आपको अप्लाई करने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलेंगे तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पहले से मैं डाउनलोड कर रखा है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो ये दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे प्री पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है 23 फरवरी 2022 को पब्लिश हुआ है, यानी कल ही आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। इसके लिए यहाँ पे आपकी जो प्री पीएचडी प्रोग्राम है सेशन 2022 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं, इनको हम एक नज़र में देख लेंगे। तो यहाँ पे एडल्ट काउंटिंग एजुकेशन एक्सटेंशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ये दोस्तों आपकी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी लॉ है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है, यहाँ पे आपकी फिजिक्स है और यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, योगा है, जूलॉजी है और MIT यानी सिविल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसके यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग से मेंशन किए गए, उन्हें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने संबंधित ब्रांच से अपना PG कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे, ये यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मेंशन कर दी गई हैं। इसके लिए हम नीचे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे की एलिजिबिलिटी में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए संबंधित ब्रांच से, तो यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप SC ST या OBC के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आपने अपना PG 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपके पास भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया, तो अगर आपने एग्जाम दे दिया है और आपका आप रिजल्ट के इंतजार में, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं जो आपका प्री पीएचडी प्रोग्राम है उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलेंगे, बात कर लेंगे आपकी आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, जैसे यहाँ पे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसे इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द प्री पीएचडी कोर्स वर्क विथ ए मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन द 7-point स्केल विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्री पीएचडी आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पीएचडी में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे आपका जो कोर्स वर्क है उसमें जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो बी ग्रेड होने चाहिए, यानी आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो फाइनल है पीएचडी के रजिस्ट्रेशन में आप अप्लीकेबल होंगे और वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप अपना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तब यहाँ पे आपको जो फेलोशिप है वो उस यहाँ पे आपको पे की जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फेलोशिप दी जाएगी, ये यहाँ पे बताया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे जो आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है, तो उसे आगे हम अभी डिटेल्स में देख लेंगे। नीचे चलेंगे, बात कर लेंगे यहाँ पे आप जो एलिजिबिलिटी है 24 सब्जेक्ट, यानी जो आपकी MIT है, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने अपने PG किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने MTech या फिर MEE कर रखा है तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आपका CGPA लागू है तो आपके पास 10 स्केल पे आपका 6.5 CGPA होना चाहिए। वहीं पर अगर आपने BTech या फिर BE कर रखा है तो आपके पास 80% मार्क्स यानी 80% मार्क्स होने चाहिए, आपका CGPA या फिर 8.5 होना चाहिए। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 0.5 CGPA की छूट मिल जाएगी, और ये यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं। बात कर लेंगे यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप कैंडिडेट्स जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। नीचे यहाँ पे आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे दी दी जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो यहाँ पे आपके पास अगर हैं तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन के लिए आप अप्लीकेबल हैं और यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन कर पाएंगे वो 24/2/2022 यानी आज से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो लास्ट डेट है 31/3/2022 है, इससे पहले आप अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे ऊपर, बात करेंगे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र निकालेगी, जो कि आपको इंफाल मणिपुर में देखने को मिलेगी। ये दोस्तों NAAC के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आप आवेदन जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे इसके दूसरे ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे, जो इसका ऑर्डिनेंस सन 2019 है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कोर्स वर्क के बारे में और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो उसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया था। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे चलेंगे, ये इसका ऑर्डिनेंस है, और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पहले यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आपको जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसको मैंने अभी पहले डिस्कस कर लिया है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। नीचे चलेंगे और बात कर लेंगे यहाँ पे आपकी जो रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आपको फिर से बता दिया गया कि 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन ये देखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इसमें दो स्टेज रखी गई, एक तो यहाँ पे आपकी एक स्टेज में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, दूसरी स्टेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपके जो PG के मार्क्स हैं वो भी ऐड किए जाएंगे, तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रोसीजर आपका एडमिशन है उसमें स्टेज फर्स्ट में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा, जिसमें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट टेस्ट यानी QET रहेगा। इसके अलावा आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जम्प्टेड कैटेगरी का भी प्रावधान किया गया है, अगर आप यहाँ पे जैसे ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे UGC NET या UGC CSIR NET DBT BET GATE SET या SLET, इसके अलावा अगर आप MPhil पास आउट हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे है, रेगुलर एम्प्लॉय हैं आप यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूशन के या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, तब भी यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। फॉरन में एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स अगर आप यहाँ पे PhD में सिलेक्ट हैं तब भी यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। 2 घंटे का आपके यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, यानी आपको 50 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही हैं। अगर आप वहीं पे SC ST या OBC के नॉन क्रिमिलियर से आते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने होंगे, यानी आपको 45 मार्क्स आपको लाने हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप MPhil हैं तो आप अपना रेगुलेशन सन 2018 देख सकते हैं। नीचे चलेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मिनिमम 50% और मिनिमम 45% मार्क्स ले आएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू हो यहाँ पे आपका 50 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, 20 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू रहेगा और रिसर्च प्रपोजल आप जो प्रेजेंट करेंगे उसके आपको मिल जाएंगे, और वहीं आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, यानी पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे जब आप प्रेजेंटेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे देन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं आपका ये पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे आपका जो डिस्कस किया जाएगा वो यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, वहीं है आप जो रिसर्च एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एकेडमिक इंडेक्स भी यहाँ पे जो कैलकुलेट की जाएगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 75% मार्क्स से
ज़्यादा हैं पीजी में तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, वहीं अगर आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं लेकिन 75% मार्क्स से कम हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, वहीं अगर आपके पास 60% मार्क्स से कम नंबर हैं तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके नंबर हैं, ये भी यहाँ पे आपके नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। ये 10 मार्क्स आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा आपको मार्क्स इसमें से मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे आपके पीजी में अच्छे मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलेंगे, फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो दोस्तों आपका यहाँ पे इंटरव्यू, यानी आपके ये जो 50 मार्क्स हैं उनके आधार पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक इंडेक्स है इसके आधार पर होने वाला है, इंटरव्यू एंड एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नीचे चलेंगे, बात कर लेंगे यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप है उसके बारे में। तो यूनिवर्सिटी नॉन जेआरएफ फेलोशिप, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है लेकिन उनके लिए अभी यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 4 साल के लिए यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी, तो ये आप ये देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे आपको, अगर आप किसी भी प्रकार का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। कोर्स वर्क की बात करेंगे जो कि वहाँ पर पहले डिस्कस किया गया, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोर्स वर्क यहाँ पे पहले तो आपका ये एग्ज़ाम होगा QET, अगर आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे देन यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तब यहाँ पे आप प्री PhD में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्री PhD को आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना रहेगा जो दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ का रहने वाला है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 सेमेस्टर यानी आपका लगभग ये 6 मंथ का यहाँ पे रहेगा आपका कोर्स वर्क। इसमें आपको तीन पेपर्स रहेंगे जिसका यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया, तो आप इसे देख लीजिएगा सिलेबस, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके ये सिलेबस रहेगा, इसमें 3 आपके पेपर रहेंगे, इसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाने होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। अटेंडेंस आपकी इसमें 75% होनी चाहिए, कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहेगी तो आपको एक मौका और दे सकती है, 1 मोर चांस बताया गया है, लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई कर जाएं। नीचे चलेंगे और यहाँ पे आपकी MPhil अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको एक जो आपका प्री कोर्स वर्क है उसे आप देने से छूट मिल जाएगी आपको, और बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और नीचे हम चलेंगे जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन है फॉर PhD प्रोग्राम, तो अगर आप ये कोर्स वर्क कंप्लीट कर ले जाएंगे और आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं उन्हें क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आप यहाँ पे जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन है फॉर PhD प्रोग्राम उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे, देन यहाँ आप अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑर्डिनेंस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा हम चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट पर, बात करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आएंगे इसके होम पेज पे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मणिपुर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे NAAC के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है। यहीं पे अपना PhD प्रोग्राम जो है प्री PhD एडमिशन 2022 इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात रही यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर की, दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है अभी एक्टिव नहीं किया गया है, चूँकि ये आज ही अपडेट किया गया है तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव नहीं हुआ है, हो सकता है कल या फिर परसों से अपडेट हो जाए, देन यहाँ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई अपडेट होता है तो मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं इंस्ट्रक्शन उसे एक बार अच्छे से आप जरूर रीड कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपकी PhD की जानकारी थी और उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे एक अन्य PhD की जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।